नमस्कार, आप देख रहे न्यूज पीआर और मैं हूँ प्रीति। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में दिल्ली जैसे निर्भया कांड का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बस में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। उस पीड़िता को अर्ध बेहोशी की हालत में पाया गया। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये बस है, इसी बस में ये वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कंडक्टर और खलासी को पकड़ लिया है, लेकिन ड्राइवर अब भी फरार है, जिसकी खोजबीन चल रही है। बता दें कि बेतिया बस स्टैंड में पटना जाने वाली बस में नाबालिग लड़की के साथ ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों, खलासी और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बस ड्राइवर फरार है। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसे पटना ले जाने की बात कहकर के खलासी ने बस में बिठाया, फिर ड्राइवर ने बस को बस स्टैंड से हटा करके बाईपास रोड में लगा दिया। उसी क्रम में लड़की को पेय पदार्थ में नशीली दवा मिला करके पिला दी। बेहोश हो जाने के बाद बस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को बस में बंद करके ड्राइवर और खलासी दोनों फरार हो गए। नाबालिग लड़की को होश आया तो उसने अंदर से बस का दरवाज़ा खटखटाया, तब राहगीरों की मदद से बस का दरवाज़ा खोला गया। स्थानीय नगर थाना की पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस नाबालिग लड़की को अपने अभिरक्षा में साथ ले गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया है। फिलहाल कंडक्टर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, लेकिन अभी भी ड्राइवर फरार है और ड्राइवर की खोजबीन की जा रही है। आपको बता दें कि इसी तरह का मामला दिल्ली में भी सामने आया था, जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। अब ऐसा ही मामला बिहार के बेतिया से सामने आया है, जहाँ पर इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक आरोपी की तलाश चल रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े नाबालिग के साथ रेप जैसी घटना, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। आखिर कोई वहां मौजूद क्यों नहीं था? आखिर अब भी ऐसी वारदातें क्यों हो रही है? तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।